हेलो चैंपियंस, हाउ आर यू? वेलकम टू करियर अड्डा। अभी तक तो हमने बहुत ही पढ़ाई की है, थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इंजॉय करेंगे, है ना। पढ़ाई तो करेंगे, पढ़ाई के साथ साथ इंजॉय करेंगे। एक गेम खेलेंगे हम आज, क्रॉसवर्ड पजल। जैसे भी आप लोग खेलते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में आप देखते हैं, तो वैसे ही क्रॉसवर्ड पजल्स लेके आया हूँ मैं आपके लिए, रिलेटेड टू मोशन टॉपिक। ओके, तो फिजिक्स ने मोशन सारी थ्योरीज क्लियर कर ली, सारे न्यूमेरिकल्स क्लियर कर लिए। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि अब आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे और आप थ्योरी भी कवर करने लगेंगे। तो थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे, जो हमको यहाँ पे क्या करना है, क्रॉसवर्ड पजल्स में पुट अप करना है। ओके चैंपियंस, सो लेट्स स्टार्ट। डाउन, सबसे पहले डाउन साइड देखते हैं, है ना। स्क्वेलर क्वांटिटी हैज ओनली, तो बच्चों स्क्वेलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जल्दी से बताओ। Which has only magnitude. तो यहाँ पे पूछ रहा है, scalar quantity has only magnitude. तो one कहाँ पे है बच्चों, ये one है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, magnitude. M A G N I T U D E. Magnitude हो गया, first question बन गया बच्चों। Let's start next question. Across में करते हैं, है ना। Across में हमको last word मिल गया, तो हम across में करते हैं। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, ऐसी कोई डेफिनेशन हम पढ़ने के बच्चों, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसमें इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल होता है। हाँ, याद आ गया बच्चों, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल किसमें होता है, यूनिफॉर्म मोशन में। तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल जब भी आएगा तो उसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, है ना। तो यहां पे लिखेंगे यूनिफॉर्म मोशन, कवर हो गया ये। एंड लास्ट लेगा हमने ये अक्रॉस को हमने एक सॉल्व करते, जिससे हमको क्या करेंगे, तीन डाउन वाले सॉल्व हो जाएंगे, है ना, फोर्थ सेकंड एंड थर्ड। तो डाउन वाले सेकंड हम सॉल्व करते हैं, व्हेन बॉडी रिटर्न्स बैक डिस्प्लेसमेंट इज, जब बॉडी रिटर्न्स बैक आती है, जैसे कि मान लो एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, फिर वापस वो उसी पॉइंट पे आती है, वापस आती है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है बच्चों, जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो। ओ, मैंने यहाँ पे एक बॉक्स नहीं बनाया, जेड ई आर ओ, जीरो, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों, मीटर। कम ऑन, एम ई टी आर ई, मीटर, है ना। नाउ फोर्थ, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ये किसकी डेफिनेशन है बच्चों, याद कीजिए जल्दी से, कौन बताएगा मुझे पहले। ओके, स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स मैं बता चुका हूं किसकी डेफिनेशन होती है, डिस्प्लेसमेंट की। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट, डी आई एस पी एल ए सी ई एम ई एन टी, है ना। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अक्रॉस के यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सिक्स वाला, यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है बच्चों, रेडियन होती है। वेरी गुड, आर ए डी आई ए एन, वेरी गुड, अब तो बहुत होशियार हो गए। नेक्स्ट, एट्थ का भी यहाँ पे एक लेटर मिल चुका हमको, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, कम ऑन फास्ट, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम किसको बोलते हैं, स्पीड को। वेरी गुड, नेक्स्ट, अब तक तो बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा, तो अब मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ, तो आप आंसर्स चेक करते जाइए कि आपके करेक्ट है कि रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नाइन्थ नंबर, क्वांटिटी प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस इज इन एसटी ग्राफ, एसटी ग्राफ में एक्स एक्सिस में कौन सी क्वांटिटी प्लॉट करते हैं हम, जल्दी, टाइम, है ना। तो यहाँ पे टाइम मैंने बताया था कि एसटीओ वीटीओ एटीओ हमेशा एक्स एक्सिस में हम क्या करते हैं, टाइम को प्लॉट करते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज टेंथ नंबर, डिवाइस व्हिच मेजर्स डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सी डिवाइस से मेजर करते हैं बच्चों, ऑडोमीटर, ओ डी ओ एम ई टी ई आर, ऑडोमीटर। लास्ट हमारा बच गया सेवंथ वाला, ये वाला क्वेश्चन कितने बच्चों से बन गया, देखते हैं किसका सही होता है। ओके, मोशन इज डैश इन नेचर, मोशन जो है वो नेचर में कैसा होता है,
कैसा होता है? रिलेटिव होता है। कितने बच्चों का सही हुआ कमेंट्स में लिख के हमको भेजिए कि आप में से कितने बच्चों का ये आंसर सही हुआ। ओके, रिलेटिव कैसे होता है कि मैं बता चुका हूँ, जब भी मोशन जो होता है एक रिफरेंस पॉइंट पे होता है, कि मान लीजिए ये एक पॉइंट से क्या कर रहे हैं हम, किसी का भी मोशन मेजर करते हैं या फाइंड आउट करते हैं तो एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, तो इसलिए क्या होता है इससे रिलेटेड रहता है, इसलिए मोशन जो होता है नेचर में कैसा होता है, रिलेटिव होता है ना बच्चों। तो देखते हैं अब किसके कितने बच्चों का क्या हुआ है, ये सारे क्वेश्चन जो क्रॉस पजल्स है ये पूरा सही हुआ है। ओके चैंपियंस, फटाफट अपने कमेंट्स भेजिए और अपने आंसर भेजिए, हम देखते हैं कि कितनों का करेक्ट हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए एमसीक्यूज लेके आऊंगा, एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे हम, जो कि कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और आजकल सीबीएसई में भी नया पैटर्न आ गया है कि एमसीक्यूज क्वेश्चंस आएंगे, तो वो भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके चैंपियंस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।